नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ रिलायंस जियो के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रिलायंस जियो की तरफ से एक नया प्लान को लॉन्च किया गया है और इस प्लान के अंदर रिलायंस जियो की तरफ से जिस तरीके का बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, भारत के अंदर अगर मैं बाकी कंपेटिटिव कंपनी की बात करता हूँ तो कोई भी कंपनी इस तरीके का फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो किस तरीके का बेनिफिट्स रिलायंस जियो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, कौन से प्राइस पॉइंट के अंदर दिया जा रहा है, क्या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको दिया जा रहा है, पूरा डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल टेक स्कैन पर चल रहा है एक मेगा गिवअवे आईफोन 13 मिनी का। अगर आपने गिवअवे के अंदर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक गिवअवे वाले वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देखो, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो और आप भी जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 13 मिनी। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो की तरफ से 2021 के लास्ट पर हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को लॉन्च किया गया था, जो था 2545 रुपए वाला प्लान, जहां पर यूजुअली आपको 1.5 GB डेटा प्रतिदिन मिलते हुए अनलिमिटेड कॉल, दिन में 100 SMS, यूजुअली आपको 336 दिन का वैलिडिटी मिलते हैं। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जो मिली 2 जनवरी तक चलने वाला था, वो ऑफर के अंदर 336 दिन के बदले में आपको 365 दिन, मतलब 29 दिन का ज्यादा वैलिडिटी आपको प्रोवाइड किया जा रहा था। बाद में रिलायंस जियो ने देखा कि काफी ज्यादा लोग जो वो ये पर्टिकुलर ऑफर को ऑप्ट कर रहे और इसी कारण से मिली से 7 जनवरी तक एक्सटेंड किया गया। लेकिन 7 जनवरी ये हैप्पी न्यू ईयर ऑफर खत्म होने के बाद भी रिलायंस जियो की तरफ से और एक नया लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाले प्लान को लॉन्च किया गया। दोस्तों, इस प्लान का प्राइसिंग रखा गया है 2999 रुपए। इस प्लान के अंदर रिलायंस जियो की तरफ से आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, दिन में 100 SMS और डेली आपको 2.5 GB करके डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो एक ऐसा कंपनी है जो आज के डेट के अंदर मार्केट के अंदर 2.5 GB पर डे वाले डेटा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी आज के डेट के अंदर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बाकी जो कंपनी है वो मैक्स टू मैक्स 2 GB पर डे डेटा प्रोवाइड कर रहा है। रिलायंस जियो फर्स्ट टाइम के लिए अपने 3 GB पर डे वाले डेटा प्लान को यहाँ पर प्रोवाइड किया था, जो था 4199 रुपए। तो अगर मैं वो वाले प्लान और ये वाले प्लान को साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ ना, तो ये 2999 रुपए वाले प्लान आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं, क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको 912 GB डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, डेली 2.5 GB करके डेटा। यहीं पर खत्म नहीं होता, रिलायंस जियो के अंदर अगर आप 2999 रुपए वाले प्लान को रिचार्ज करते हैं मेनली जियो मार्ट की मदद से, तो यहाँ पर आपको 20% का कैशबैक भी मिलेंगे जियो मार्ट के ऊपर। जो 20% का कैशबैक आपको मिलेंगे वो आप नेक्स्ट टाइम रिचार्ज या किसी दूसरे का रिचार्ज या जियो मार्ट के ऊपर शॉपिंग या रिलायंस स्टोर के अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब 2900 के अंदर आपको ऑलमोस्ट 600 रुपए का डिस्काउंट और यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब ओवरऑल अगर आप कॉस्ट यहाँ पर देखते हैं तो 2400 रुपए के अंदर आपको डेली 2.5 GB करके डेटा यहाँ पर मिल जाएंगे और पूरे 365 दिन के लिए। अगर आप ओवरऑल कंपेयर करके देखते हैं तो एक बार आप सोच के देखो, प्राइस हाइक होने से पहले रिलायंस जियो की तरफ से कुछ इसी प्राइस पॉइंट के अंदर इससे कम बेनिफिट्स वाले प्लान आपको प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन आज के डेट के अंदर अगर आप ओवरऑल पूरे ऑफर को यहाँ पर लेते हैं तो वही 2400 रुपए के अंदर, जहाँ पर पहले आपको 2 GB करके डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था प्राइस हाइक से पहले, आज के डेट के अंदर वही प्राइस पॉइंट के अंदर आपको 2.5 GB डेटा, मतलब हर दिन 500 MB करके डेटा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर मैं पूरे तरीके से एनालिसिस करके आपको दिखाऊँ। तो दोस्तों, ये जो प्लान रिलायंस जियो की तरफ से लॉन्च किया गया, काफ़ी बढ़िया प्लान लॉन्च किया गया है। अभी देखिए, अगर आप 2999 रुपए से 120 रुपए ज़्यादा देते हैं, मतलब 3190 रुपए खर्च करते हैं, तो डेली आपको 2 GB करके डेटा विद अनलिमिटेड कॉल, दिन में 100 SMS विद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मोबाइल एडिशन मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3190 रुपए वाले प्लान को यूज़ मत करो, आप 2999 को यूज़ करो, उसके ऊपर आपको 600 रुपए का डिस्काउंट तो मिल ही जाएंगे और आप अलग से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लो 499 रुपए खर्च करके। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आपको डेटा भी ज्यादा मिलेंगे, हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप खुद से अलग से ले सकते हैं और वहां पर आप किसी भी डिवाइस के अंदर वो यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही सारा अपडेट हमारे पास निकल के आ रहा था, एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ ने जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे भी समय लगे तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।